नमस्कार, आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पूरी ऊर्जा के साथ हैं। जैसा कि हम सभी लोग भारतीय संविधान एवं राज्यव्यवस्था को पढ़ रहे थे और उसी में हम लोगों ने जो है लगभग भारतीय संविधान और राज्यव्यवस्था को समाप्त कर दिया, लेकिन उसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बचते हैं, जैसे कि दो हैं जो आज हम लोग स्थानीय सरकार को पढ़ेंगे और एक टॉपिक आयोग बचेगा। आयोग में जैसे संवैधानिक आयोग, जैसे चुनाव आयोग है, इस प्रकार के जो आयोग हैं, वित्त आयोग है, ये संवैधानिक आयोग पढ़ेंगे, फिर वैधानिक आयोग पढ़ेंगे और फिर कैबिनेट द्वारा बनाए गए आयोग, मतलब आयोग के चैप्टर में सारे प्रकार के आयोग आ जाएंगे। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब जब आज हम स्थानीय सरकार पढ़ेंगे तो इस प्रकार पढ़ेंगे, इससे चाहे लेखपाल भर्ती में प्रश्न आए, चाहे UPSI में आए, चाहे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में आए, चाहे LT ग्रेड में आए, जहाँ भी GS आएगी तो यदि इस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है तो आप जरूर हल कर लेंगे। चाहे कोई ग्रेड हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे ग्रुप बी हो, सब परीक्षाओं में आप जहाँ भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछ लिया गया, कैसे भी घुमा के पूछा जाए, सीक्वेंस हो, चाहे हार्ड हो, चाहे सरल हो, सब आप कर लेंगे। और हमारे पढ़ाने का तरीका ही यही है कि किसी भी चीज़ को हर उसके आयाम पर चर्चा करना। और इधर बहुत सारे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होने हैं और ये मान लीजिए स्थानीय सरकार से एक प्रश्न हर एग्ज़ाम में जरूर जरूर पूछा जाता है, क्योंकि जो है एक केंद्र में सरकार होती है, एक राज्य में होती है, एक स्थानीय सरकार होती है। स्थानीय सरकार में पंचायत स्तर आता है, एक पंचायत की सरकार होगी स्थानीय में, एक नगर निकाय की होती है। इस पर प्रश्न क्यों आता है, क्योंकि जो पंचायत है तो भारत की लगभग 2011 के जनगणना के अनुसार 73% आबादी जो है ग्रामीण ही है, और जो सरकार का भी फोकस पंचायतों के विकास पर रहता है और उनके लिए कई योजनाएं रहती हैं, तो इसलिए इससे ज़रूर क्वेश्चन रखा जाता है। तो अब हम चलते हैं कि कैसे स्थानीय सरकार को पढ़ना है, इसके सभी आयामों की चर्चा करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार हमें पढ़ना है स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट। अब देखेंगे लोकल गवर्नमेंट को हमें किस पे कैसे से पढ़ना है। इसका ऐतिहासिक परिचय जो भी है वो हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मद्रास में नगर निगम की स्थापना हुई 1687 में, फिर रिपन की चर्चा करेंगे। रिपन को स्थानीय सरकार का जनक कहा जाता है। उन्होंने कब स्थानीय सरकार का जो एक्ट, स्थानीय अधिनियम जो पहला पास किया था, उसकी चर्चा होगी। फिर रिपन ने उनके समय बहुत चीज़ें और भी ठीक ठाक घटित हुई हैं, जैसे उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लिटन ने लगवाया था, प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भारत में लगा दिया था भारतीय भाषाओं पर, तो लिटन के जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने समाप्त किया रिपन ने। रिपन की और एक दो क्वेश्चन आते हैं, पूछा था भारत में स्थाई जनगणना कब से प्रारंभ होती है, तो रिपन के ही समय 1881 से भारत में पहली जो है स्थाई जो कह सकते हो जनगणना प्रारंभ होती है, नियमित जनगणना प्रारंभ होती है, ठीक है। तो रिपन के समय, एक इल्बर्ट रिपन के समय आए, उस पर चर्चा हो जाएगी। फिर ऐतिहासिक परिचय हो गया। ऐतिहासिक परिचय के बाद हम क्या देखेंगे, जो इसके बारे में जो संवैधानिक क्या है संवैधानिक, और फिर संवैधानिक में ही इसके हम स्तर बता देंगे कैसे क्या है, पूरा डायग्राम से इसमें बन जाएगा, उसी में आ जाएगा। फिर जो है विकास कार्यक्रम इनके क्या हुए, पंचायत के विकास कार्यक्रम। फिर क्या रहता है विकास कार्यक्रम के अलावा, फिर इसके बाद बढ़ेंगे, फिर देखेंगे क्या रहता है कि जो है समितियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये समितियाँ तो हर एग्ज़ाम में एक आधा से जुड़ा हुआ पूछा जाता है, पेट में ही पूछा गया है। त्रिस्तरीय जो पंचायत समिति किसके आधार पर बनी थी, किसकी सिफारिश पर है, पेट में ये क्वेश्चन आया है। बलवंत राय मेहता समिति, तो इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। और बड़े एग्ज़ाम में थोड़ा और घुमा देते हैं, इससे रिलेटेड कई समितियाँ पूछ लेते हैं, या कहते हैं कि इनमें से कौन सी समिति पंचायत से जुड़ी नहीं है, संबंधित नहीं है, तो आपको जो पता होंगी सभी, तभी तो आप नहीं बता पाएंगे। फिर इससे जुड़ी हुई चीज़ें हम ये बता देंगे समितियों के बाद। समितियों की चर्चा के साथ ही जो हो जाएगा, क्या सीन रहेगा इसमें, जो है पीसा एक्ट के बारे में बता देंगे। पीसा इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं, ये बड़ा हार्ड क्वेश्चन लगने लगता है जो पढ़ा नहीं होता है। तो ये अब हम जो है पहला टॉपिक चलते हैं, ऐतिहासिक परिचय में देखते हैं। हाँ, ऐतिहासिक परिचय क्या रहता है, ऐतिहासिक परिचय में जो है देख लें क्या रहता है। ये पेशा एक्ट है, यहाँ पर जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा हमारी समझ से,
पेशा एक्ट दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, देख लिए आ रहा है ठीक। हाँ अब देखते हैं हम ऐतिहासिक परिचय में, नगर निगम, पहली नगर निगम, नगर निगम की स्थापना कब हुई, पहले नगर निगम, पहले नगर निगम की स्थापना कब होती है, 1687 में मद्रास में। छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं और बड़े हार्ड लगने लगते हैं जब पता नहीं होता है, गेस आप मारते हैं, जो कि संभावना जब पता नहीं होती तो गलत ही ज़्यादा होने की रहती हैं। अब हर एग्ज़ाम में लगभग नेगेटिव मार्किंग का प्रोसेस करते जा रहे हैं, तो आप लोगों को अब सॉलिड पढ़ने की ज़रूरत है। तो मद्रास में आ गया, अब देखते हैं रिपन के समय, इससे भी जुड़े हुए क्वेश्चन रखे आते हैं। रिपन ये क्या थे, वायसराय थे, भारत के वायसराय, वायसराय, वायसराय थे, कब, 1879 to 84। इनके समय कई चीज़ें अच्छी घटित हुई। तो जो है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन ये हो गया। फिर लॉर्ड रिपन में क्या रहता है, जो स्थानीय सरकार अधिनियम 1882 में पारित होता है, पारित होता है। फिर क्या रहता है, फिर जो है अब देखते हैं, ये पारित हो गया, फिर इसमें और इनके, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, कि ऐसा पहली बार होता है तो इसीलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन अधिनियम कह सकते हैं, इसको स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित हुआ, इसे ये भी कह सकते हो, मतलब स्थानीय सरकार के लिए स्थानीय स्वशासन शब्द था, स्थानीय स्वशासन मतलब स्वयं का शासन हो स्थानीय स्तर पर, तो इन्हें स्थानीय स्वशासन सेल्फ जो रूलिंग है का जनक कहा जाता है, का जनक, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, भारत का स्थानीय स्वशासन का जनक ठीक। तो ये हो जाता है। फिर इनके समय कुछ और चीज़ होती है, नियमित जनगणना, नियमित जनगणना, जनगणना 1881 में प्रारंभ होती है। देखो भारत में प्रथम जनगणना तो जो लॉर्ड मेयो के समय हो जाती है स्टार्ट, लेकिन जो नियमित जनगणना होती है वो किनके समय होती है, रिपन के समय ठीक। जो देखा जाए भारत में पहली जनगणना, भारत में पहली जनगणना, ये सब जीके क्वेश्चन हो जाते हैं, पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय होती है, ये प्रश्न आ चुका है इस प्रकार भी, ये हिस्ट्री में भी प्रश्न इस प्रकार के बन जाते हैं ठीक। तो आप ये हो गया, और इनके समय क्या होता है, वर्नाकुलर, अब जो हम हिस्ट्री में चले जाएंगे तो ज़्यादा हम ऐसे बता रहे हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है इनके समय, उसको बंद कर दिया जाता है। फिर इनके में इल्बर्ट बिल आता है, इल्बर्ट बिल जो आता है ये हालांकि वापस कर लिया जाता है 1883 में, वापस हो जाता है 1883 में आता है, वापस भी हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी भारतीय न्यायाधीश हैं वो किसी भी यूरोपीय व्यक्ति के मामले की सुनवाई करने की शक्ति दे दी जाती है इसमें। वैसे भारतीय न्यायाधीश होते हैं किसी भी यूरोपीय मामले की, यूरोपीय व्यक्ति के मामले की सुनवाई नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें दे दी जाती है शक्ति कि कोई भारतीय जो न्यायाधीश उसमें होते थे, कोई भी यूरोपीय व्यक्ति होता था, उसका कोई भी मैटर होता था, उसका कोई भी विवाद होता था, उस पर सुनवाई करने का अधिकार था, सजा देने का इस प्रकार का प्रावधान था। हालांकि सजा में भी जो यूरोपीय न्यायाधीश थे उनकी वही अंतिम मान्य थी, लेकिन सुनवाई कर सकते थे। हालांकि फिर इसको क्या हुआ, विरोध बहुत हुआ, ब्रिटेन में भी हुआ और अंग्रेजों में भी इसकी चीज़ के खिलाफ वो लोग गए, तो रिपन के समय इसको वापस भी ले लिया गया था। अब चलते हैं, ये तो हमारा हो गया, अब हम आगे देखते हैं जो है इसकी बात हो गई, हमने जो है स्टार्टिंग की बात कर ली, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं ठीक। अब हम चलते हैं आगे, अब जो देखा जाए संवैधानिक से, इसका संविधान से क्या तात्पर्य है, तो हम पहले देखते हैं जो है क्या रहता है कि जो भाग नौ की बात करते हैं, भाग नौ में, तो भाग नौ में जो है पंचायत, पंचायत
का प्रावधान किया गया, का प्रावधान भाग 9 में पंचायत का प्रावधान किया गया। कभी कभी पंचायत का जो प्रावधान किस भाग में किया गया, भाग 9, 10, 11, 12, तो भाग 9 भी आप टिक लगाएंगे। फिर जो है, क्योंकि पंचायत जो लागू, मतलब पंचायत का गठन किया जाए, लागू नहीं, पंचायत का गठन किया जाए, ये तो संविधान में ही बता दिया गया जब मूल संविधान बना था। लेकिन संविधान का एक पंचायत का प्रावधान किया गया, एक संवैधानिक दर्जा, मतलब कह सकते हो पंचायतों का एक संवैधानिक दर्जा किस में दिया गया, भाग 9 में किया गया पंचायत का प्रावधान, लेकिन किस संविधान संशोधन द्वारा, 73वें CA द्वारा, 1993। ये भी प्रश्न आ चुका। कहने का मतलब जो है कि जो भाग 9 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत का प्रावधान किया गया और इसी से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया, ठीक है। अब इस पर जो प्रश्न बनता है, अच्छा ये पंचायत का प्रावधान किया गया, लेकिन ये पंचायती व्यवस्था जो है संवैधानिक रूप से किस, मतलब कब से लागू होती है, 24 अप्रैल से, जो हर कोई एक अधिनियम पास होता है जब किसी चीज़ के लिए, तो लेकिन पास होना अलग होता है, लेकिन लागू कब से हो जाता है, जब पारित पूरी तरीके से हो जाता है वही मतलब लागू माना जाता है। तो ये पारित कब हुआ था, 1993 में आया, पारित कब होता है, 24 अप्रैल 1992 में आता है, और 24 अप्रैल 1993 में लागू, ठीक, तो ये हो जाता है, लागू हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, ये प्रश्न आ चुका है, पंचायत दिवस मनाया जाता है, क्या, राष्ट्रीय पंचायत दिवस, राष्ट्रीय पंचायत दिवस। अब देखते हैं उसके आगे वाले पार्ट को। अब हम भाग 9 का ए जो है इसमें क्या आता है, नगर पालिका का मैटर है। तो नगर पालिका में इसको किस संविधान संशोधन द्वारा दर्जा, संवैधानिक दर्जा दिया गया, और इसमें इसका प्रावधान किया गया, भाग 9 ए के में इसका प्रावधान किया गया 74वें संविधान संशोधन द्वारा, CA द्वारा, 1992। और ये जो है कब होता है, जो है 1 जून 1993 में लागू हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है, ठीक, ये आप 1992 तो कन्फ्यूज मत हो, इसको हटा दीजिए, कन्फ्यूजन हो गया क्योंकि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, ये 1993 में ही इसको मानिए, ठीक, ये दोनों को क्या मानिए, कहे जो 73वां संविधान संशोधन का संबंध है 1993, क्योंकि लागू हुआ वही मान सकते हैं, इसका सन भी हो गया, ठीक है, जो 73 संविधान संशोधन 1993, और यही 74वां संविधान संशोधन 1993 में रहता है, पारित होता है, और ये लागू कब हो जाता है, 1 जून से लागू भी हो जाता है, ठीक है, 1993 याद रहे, कभी कभी पूछ लेता है जो 73वां संविधान संशोधन किस समय लागू होता है, तो 1993 ऑप्शन पे टिक करेंगे। फिर हम देखते हैं आगे, इसके मार्कर नहीं चल रहे हैं, हाँ, भाग 9 का जो है बी, इसमें क्या बात कर की जाती है, जो है सहकारी समितियां, सहकारी समितियां। अब जो रहता है इसमें, जो है सहकारी समितियों में क्या रहता है, ये भी जो है किस इसमें रखा गया, ये जो है 9B पार्ट में रखा गया। अब 73वें संविधान संशोधन में कुछ चीज़ें और यहीं पे हम देख लें, 73वां संविधान संशोधन 1993 ये लिखा हो तो यही मानेंगे, ठीक। तो इसमें जो हम कौन सी चीज़ें देख लें, कि जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत का भाग 9 में हुआ, एक ये तो बात हो गई, दूसरी क्या रहती है, ये इसमें कौन से आर्टिकल दिए हैं, ये 73वें संविधान संशोधन में जो कौन से आर्टिकल दिए गए थे, तो आर्टिकल इसमें जो जोड़े गए वो 243 से, आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ इसमें रखे गए, मतलब 73वें संविधान संशोधन जो द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और साथ ही इन अनुच्छेदों के भी संविधान से जुड़े हुए सारे प्रावधान रखे गए, संविधान का वित्त है, और संविधान का जो चुनाव है, निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन और चुनाव कैसे होगा, इन्हीं के बीच इसका जिक्र है। फिर जो रहता है इसके बाद, इसमें क्या रहता है, ये 11वीं अनुसूची में है, किस अनुसूची में है, ये भी प्रश्न आता है, 11वीं अनुसूची,
अनुसूची। फिर इसमें क्या रख सकते हैं, किसकी बात कर रहे हैं ये, और कौन सी सरकार है ये, पंचायत स्तर की, ग्रामीण स्थानीय सरकार, या पंचायत स्तर या कह सकते हैं या ग्रामीण स्थानीय सरकार, मतलब रूरल लोकल गवर्नमेंट, ग्रामीण स्थानीय सरकार, सरकार, ठीक, ये हो गया। और एक और चीज़ इसमें रहती है इम्पॉर्टेंट, इसमें कितने विषय रखे गए हैं, जो जो पंचायत व्यवस्था है 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो इनके बीच व्यवस्था की गई, अच्छा इनके बीच आर्टिकल कितने आ गए, 16 आर्टिकल आ गए हैं, इसमें पूरे आर्टिकल कितने आ गए, जोड़ोगे यहाँ से यहाँ तक तो 16 आ जाएंगे, ठीक है। और जो रहता है इनमें विषय कितने रखे गए, 29 विषय हैं, ये भी प्रश्न पूछा चुका है, पंचायत व्यवस्था में कितने विषय हैं प्रावधान किया गया है, 29 विषय दिए गए हैं, 29 विषय, ठीक है, ये बात हो गई। अब हम आते हैं ये 74वें संविधान संशोधन पे, इससे ये सब प्रश्न है, पूछे गए हैं कई कई बार, ये मत समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 74वें संविधान संशोधन की बात करते हैं, अब इसी में भी यही है, इसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल 243 ओ के बाद पी आता है, पी से 200 आर्टिकल 243 क्या रहता है, जेड एच तक रहता है, मतलब पी से जेड तक चले, जेड ए बी सी डी जेड एच तक, फिर क्या रहता है, जो है कौन सी अनुसूची में है, 12वीं अनुसूची में है, अनुसूची 12वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा ही व्यवस्था है, इस भाग 9 में ए और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। देखिए संविधान में अनुसूचियां 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी, 9, 10, 11, 12 तक अनुसूची जो संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो इस प्रकार प्रश्न आ जाए कि 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो 11वीं अनुसूची किससे जोड़ी गई, 73वें से, तभी 11वीं आती है, इससे 12वीं जोड़ी गई, और 11वीं अनुसूची में भी पंचायत व्यवस्था की बात है, 12वीं अनुसूची में स्थानीय नगर पालिका जो है शहरी या नगर पालिका, नगर निकाय की बात है इसमें, ठीक, स्थानीय नगर निकाय। अब क्या रहता है इसमें, कुछ कुल अच्छा कितने आर्टिकल हैं, 18 आर्टिकल आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे कुल कितने आर्टिकल आ जाएंगे, 18 आर्टिकल, और जो है ओ है ये, ठीक, और जो और क्या रहता है इसमें, विषय कितने हैं, 18 विषय, 18 मतलब जो स्थानीय स्तर की जो नगर निकाय है उनकी जो शक्तियाँ हैं कितने विषयों पर लागू होती हैं, 18 विषय पर, ठीक। अब आगे हम चलते हैं, जो हमने इसकी चीज़ को देख लिया, अब स्तर को देखेंगे, चलिए स्तर को देखते हैं, आप सब लोग नोट कर लिए होंगे, देखिए आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि ऐसी चीज़ हम 10 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट ना भी हो बताएं, लेकिन उस चैप्टर के सभी आयाम भी आ जाएं। अब जो है जो स्तर की बात कर लें, संवैधानिक में ही स्तर की बात क्या की जाए, तो स्तर क्यों कर लेते हैं, देखिए ये पंचायत है, देखिए स्थानीय स्तर की सरकार, स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार, पंचायत, और ये क्या है, ये कर लेंगे अभी, जो है क्या रहता है ये शहरी, मतलब शहरी स्थानीय सरकार, सरकार, और ये क्या है पंचायत, मतलब ग्रामीण स्थानीय सरकार, पंचायत क्या कह सकते हैं, ग्रामीण स्थानीय सरकार, सरकार मतलब रूरल लोकल गवर्नमेंट, और ये क्या है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अब देखते हैं, देखिए आप लोग चुनाव भी होता होगा तो यहाँ पे 3 स्तर होते हैं, यहीं पे देखते हैं 3 स्तर, एक होता है सबसे नीचे चलते हैं, पहले ग्राम पंचायत, क्या होता है ग्राम पंचायत, जानते हैं जो आपका गांव है वो ग्राम पंचायत में आता है, ग्राम पंचायत, फिर इसके ऊपर बढ़ते हैं वो क्या आता है क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत, पंचायत इसे ब्लॉक जिसे कहते हो वही होता है, ब्लॉक पंचायत या क्षेत्र पंचायत, या इसका नाम एक और होता है पंचायत समिति, कन्फ्यूज मत होइएगा, पंचायत समिति। जो बच्चे अभी मार्च में जो ग्राम विकास अधिकारी की जो रद्द हो गई थी परीक्षा, वो मार्च 2022 में आयोजित कराने का
जो है यूपी ट्रिपल एससी ने कहा है, तो उसमें इससे प्रश्न जरूर आएंगे, उसमें तो आएंगे, हालांकि आते हर एग्ज़ाम में हैं, क्योंकि ग्रामीण कल्चर जो है भारत में काफ़ी पूछा भी जाता है इससे जुड़ी हुई चीज़ें। अब देखते हैं, और बहुत सारी जो है योजनाओं का, सरकार की जो योजनाएँ बहुत सारी हैं उनका केंद्र बिंदु गाँव ही रहता है ज़्यादातर। देखें चाहे उज्ज्वला परियोजना देख लीजिए, चाहे स्वच्छता अभियान को देख लीजिए, शौचालय बनवाए जा रहे हैं, तो चाहे जो है अटल आवास योजना, इस प्रकार की जो भी देखेंगे चीज़ें, अमृत योजना देख लीजिए, अमृत योजना शहरी योजना है, लेकिन ये अटल आवास योजना है, तो ग्रामीण में ज़्यादा फोकस इस तरीके से किए गए हैं चीज़ों का किया गया। अब देखते हैं क्षेत्र पंचायत, पंचायत समिति, इसके ऊपर ग्राम, फिर क्षेत्र पंचायत, मतलब बीच का या मध्य स्तर कह सकते हो, इसे क्या कह सकते, क्षेत्र पंचायत, पंचायत समिति या खंड स्तर, खंड पंचायत, ये नाम है, या मध्यवर्ती पंचायत, ठीक है। अब इसके ऊपर जो बढ़ेंगे कौन है, जिला पंचायत, जिला पंचायत। तो अब देखेंगे इसका जो अध्यक्ष और चुनाव, हम तीन चीज़ें लिख रहे हैं, अध्यक्ष, ठीक, फिर अध्यक्ष के बाद सदस्य, फिर क्या, चुनाव, यही पे समझते चलेंगे। जो अध्यक्ष इसका होता है, इसमें भी यही करेंगे, इसको हम एक बिगाड़े दे रहे हैं, ठीक है, वो समझ जाइएगा। हाँ, अध्यक्ष, अध्यक्ष हो गया, सदस्य हो गया, और चुनाव, चुनाव यही, यहाँ अध्यक्ष, सदस्य और चुनाव। देखिए इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, पहले नीचे चलते हैं, ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है, ग्राम प्रधान होता है, जो ग्राम प्रधान होता है सरपंच कहते हैं, सरपंच, सरपंच ये होता है सरपंच। और सदस्य क्या रहते हैं, ग्राम सभा के सदस्य, जो वहाँ के नियमावली में, जो निर्वाचन नियमावली में गांव की आते हैं जो लोग, तो वो सब इसके सदस्य होते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य। फिर चुनाव क्या होता है इसका, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, मतलब सीधे इसमें प्रधान में क्या होता है, प्रधान के इलेक्शन, जनता वोट करती है, तो प्रत्यक्ष चुनाव ये हो गया। अब क्या रहता है, इसमें चलते हैं इसके ऊपर वाले ब्लॉक स्तर में, तो अध्यक्ष इसका क्या होता है, ब्लॉक प्रमुख, या खंड प्रमुख, या पंचायत, जो पंचायत समिति का प्रमुख, तो ब्लॉक प्रमुख जनरल फेमस नाम है, ब्लॉक प्रमुख। इसमें सदस्य कौन होते हैं, बीडीसी होते हैं, और बीडीसी कौन होते हैं, जो ग्राम स्तर से पंचायत का जब प्रधानी का चुनाव होता है उसी समय बीडीसी का चुनाव होता है, तो बीडीसी वही होते हैं जिनका महत्व बस इतना रहता है कि वो ब्लॉक प्रमुख बनाते हैं। अब रहता है चुनाव, कहने का मतलब इसका चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष मतलब ये जो हैं ये वोटिंग करते हैं, बनाते किसे हैं, इसको अध्यक्ष, मतलब चुनाव जीत के ब्लॉक प्रमुख को बनाते हैं, समझिएगा, बीडीसी है वोटिंग करके ब्लॉक प्रमुख को, चुनाव का मतलब चुनाव जिता के अध्यक्ष बनाते हैं। तो इसमें जो डायरेक्ट जनता ब्लॉक प्रमुख नहीं बनाती है, बीडीसी बनाते हैं, लेकिन ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए क्या है, स्वयं बीडीसी होना पड़ेगा, स्वयं बीडीसी होना आवश्यक है, होना आवश्यक है, ठीक। तो ये हो गया, मतलब बीडीसी चुन के जो है ब्लॉक प्रमुख बनाते हैं, यहाँ अध्यक्ष का काम करेगा। फिर यहाँ पे देखें जो चुनाव इसका जो है जिला पंचायत, जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है, जिला पंचायत, पंचायत अध्यक्ष। अब मान लीजिए जिला में 19 ब्लॉक हैं, तो 19 ब्लॉक में जो है जिला पंचायत सदस्य बनते हैं, हर ब्लॉक में कई सारे जो हैं, ये ब्लॉक स्तर पे नहीं होता है। देखिए जैसे किसी जिला में 19 ब्लॉक है तो 19 ब्लॉक प्रमुख बन गए, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष कैसे बनता है, जिला पंचायत सदस्य द्वारा, जितने सीतापुर जो है, सीतापुर जनपद है या लखीमपुर है, कोई भी जनपद है, तो वहाँ पर जिला पंचायत सदस्य जो होती हैं वो निर्धारित होती हैं, कितने वार्ड में 20, 30, 20, 30, 31, 32, 5, 6, 7 ऐसे वार्ड में जिला पंचायतों को दी जाती हैं, मतलब जिला पंचायत सदस्यों को। तो उन वार्डों से जो जीतता है जिला पंचायत सदस्य, वह यहाँ पर आता है, मतलब जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए, ठीक। तो सदस्य जिला पंचायत, चाहे सदस्य, अब ये चुनाव करते हैं, यह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव, जो जिला पंचायत सदस्य ये जनता से चुन के आते हैं, ये भी जनता से चुन के आते हैं, जनता से,
ये भी क्या है, जनता से चुन के आते हैं डायरेक्ट। हर क्षेत्र में जो है, हर जिले को ऐसे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है कि कई सारे उसमें वार्ड निकलते हैं, उन्हीं वार्डों के क्या होते हैं, जिला पंचायत सदस्य होते हैं, वो जनता उनका चुनाव करती है। चुन के जब पहुंचते हैं तो किसका वो चुनाव करते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जैसे मान लीजिए सीतापुर जनपद है, इसमें 70 जिला पंचायत सदस्य हैं, 70 में जिसके 36 जिला पंचायत सदस्य हो गए वो क्या बन जाएगा, जिला अध्यक्ष बन जाएगा। तो ये विभिन्न पार्टियां जो है, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जिला पंचायत सदस्य को अपने उससे होल्डिंग से, अपने बैनर से चुनाव लड़ाती हैं, और फिर उसी आधार पर जिला पंचायत अध्यक्ष उनका जो ज़्यादा उनके जिला पंचायत सदस्य हो जाता है।